हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास. माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन, स्पेशली फोकसिंग फॉर जे मेंस एंड एडवांस स्टूडेंट्स. सो जो भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगी, आप में से अगर किसी को भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की क्वेरी हो, इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करिए. वहां पर आपको केमिस्ट्री जे एडवांस से रिलेटेड जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स हैं, वो जरूर देख कर आइए. आपको यहाँ पर सॉल्व करने में किसी भी क्वेश्चन में तकलीफ नहीं होगी. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले एक वीडियो अपलोडेड है जो कि स्पेशली जेई मेंस के क्वेश्चन से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से, तो आप वो भी देख सकते हैं. और आज के वीडियो लेक्चर में हम स्पेशली फोकस करने वाले हैं बच्चा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन, जो यूजुअली आपको एडवांस में दिखाई देंगे और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ के कुछ लाइक यहाँ पे क्या होता है, एक ही कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज दिया होता है, उसी पे क्वेश्चन दिए होते हैं, तो यहीं के कई सारे कॉन्सेप्ट्स पिक करके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज किए जाते हैं. तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आई होप आपकी एनर्जी फुल होगी जस्ट लाइक योर टीचर. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद अ वेरी हाई पॉजिटिव एनर्जी नोट. लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. यस बच्चा, तो पहला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर. ये क्वेश्चन है आपका आईआईटी जेईई 2008 का क्वेश्चन है. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन है. एक ही रिएक्शन में कई सारे आंसर देने होंगे, तो पहले हम इसका फ्लो चार्ट रेडी कर लेते हैं. सो द क्वेश्चन इज, टर्शियरी अल्कोहल है H, उसका एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन करते हैं आप, तो आपको प्रोडक्ट I मिलता है, करेक्ट. तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग मटेरियल ले लेते हैं अपना H. H का अगर मैं एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन करती हूँ तो वॉटर रिमूव हो जाता है और मुझे यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट है I. उसके बाद क्या लिखा है, आई का जैसे ही आप ओजोनोलिसिस करते हैं यानी O3 जिंक डस्ट इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 अगर आप इसे ट्रीट करेंगे तो आपको ओजोनोलिसिस करने पे दो प्रोडक्ट मिलेंगे J एंड K, करेक्ट. ठीक है, अब K ऑन रिएक्शन विथ KOH, ये K को जब KOH से अगर आप ट्रीट करते हैं तो ये आपको L एंड M देता है माय डियर स्टूडेंट्स. सो बेसिकली ये आपका फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है, और आपको यहाँ पे M का स्ट्रक्चर दिया है, करेक्ट. अच्छा, कंपाउंड H इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, तो ये पूछ रहा है कि ये जो H स्टार्टिंग मटेरियल है वो कौन से एल्डिहाइड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से जनरेट हुआ होगा, करेक्ट. तो बहुत ही आसान है, देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है हमारा जिसके साथ दो पीएच ग्रुप चाहिए, एक CH3 ग्रुप चाहिए. तो हम जरा देखते हैं कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कैसा दिख सकता है. अगर मैं फर्स्ट केस में जाती हूँ और बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करती हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका Mg प्लस और ये pH माइनस, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, आपका pH यहाँ जाकर अटैक करेगा, MgBr यहाँ जाएगा और ये देगा आपको pH C, ऊपर हाइड्रोलिसिस होगा तो OH हो जाएगा, नीचे CH3 है और इधर pH है. कहीं पे भी pH सेम कार्बन एटम से अटैचमेंट होते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है. ऐसा हमें यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है. बी ऑप्शन पे चलते हैं, बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करिए, Mg पॉजिटिव और ये वाला सेक्शन आपका नेगेटिव, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा नेगेटिव और ये सेक्शन आपका नीचे से अटैक करेगा, बहुत ही बढ़िया. ओके, तो देखिए इस केस में आपको क्या मिलेगा, तो यू आर गेटिंग pH, C के साथ OH, यहाँ पर CH3 और नीचे CH2PH, करेक्ट. तो CH2PH तो जस्टिफिएबल है क्योंकि ये pH है और ये जिससे अटैच है भाई, तो ये हमारा एक मटेरियल हो सकता है. फिर भी हम नेक्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, यहां से अगर आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव को इधर भेजा, ये वाला नेगेटिव MgBr, देखिए ध्यान से. सो यू आर गेटिंग pH C के साथ OH, नीचे आपको मिल जाएगा CH2PH और यहाँ पे हाइड्रोजन, बट हमें CH3 चाहिए pH के साथ, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल और ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हुआ. बी ऑप्शन अभी हमने पेंडिंग में रखा है. डी के केस में चलते हैं, तो डी के केस में आप बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे बच्चा, ठीक है, यहां से ब्रेक करेंगे तो ये वाला सेक्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला आपका सेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट. और नेगेटिव वाला यूं अटैक करेगा स्पीशीज पे, ये वाला बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, करेक्ट. तो व्हाट यू आर गेटिंग, पीएच
के साथ OH, और यहाँ पर बच्चों ये H as it is रहने देते हैं और इसके साथ अटैच कर देते हैं CH2, और यहाँ पे C है, C के साथ ME ग्रुप है और फिर उसके साथ PH भी अटैच है, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर हो गया, करेक्ट। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं PH CH2 ये ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और बीच में दो कार्बन एटम आ रहे हैं, सो हमारे बी और डी ऑप्शन में थोड़ी पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ के देखते हैं कि अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल ले रही हूं और मुझे ये सिंथेसाइज करना है, यानी कि स्ट्रक्चर एम सिंथेसाइज करना बच्चा, तो स्ट्रक्चर एम, अब मैं रिएक्शन थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में करके दिखाती हूँ आपको, तो सो दैट यू कैन गेट मोर क्लैरिटी, ठीक है। देखिए ध्यान से, पीएच है सी, यहां पर सी एच थ्री है, डबल बॉन्ड सी, ठीक है, ये सी एच है, सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, ये वाला आपका स्ट्रक्चर बनाया है मैंने एम वाला, ये एम है। ये एम कब फॉर्म हुआ है, जब हमने के ओ एच से के को ट्रीट किया है, ठीक है। तो अगर मैं इसे के ओ एच से के को ट्रीट करती हूँ तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहा होगा बच्चा, के ओ एच से ट्रीट करने का मतलब है कि सिंपल आप उसके अंदर कैरी आउट कर रहे हैं, यस, अल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको कब मिलेगा अल्डोल कंडेंसेशन का, जब आपका स्टार्टिंग मटेरियल कुछ ऐसा होगा, पीएच सी के साथ डबल बॉन्ड ओ एंड CH3, एंड दूसरा होगा पीएच एंड CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन वाला स्पीशीज OH की प्रेजेंस में यहां से हाइड्रोजन को स्नैच कर लेगा और ये क्या जनरेट करेगा, देखिए मैं इन दोनों का रिएक्शन दिखाती हूँ, ये स्ट्रक्चर J है आपका और ये है स्ट्रक्चर आपका K, ध्यान से देखिएगा इनका रिएक्शन। तो आपके पास पीएच है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच है, और यहाँ पर पीएच सी के साथ डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पे CH2 माइनस है माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो यहाँ पे CH2 माइनस को अटैक कराते हैं यहाँ पर, तो ये आपको क्या फॉर्म करेगा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इट इज गिविंग यू पीएच सी के साथ OH, नीचे आपको H मिल रहा है, यहाँ पे CH2 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर देखिए पीएच, करेक्ट। और अगर मैं इसमें से वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दूं तो ये स्ट्रक्चर आपका सिमिलर किससे बन रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर से। अरे वाह, तो भाई हमें जे और के तो पता चल गया है, जे आपका पीएच सी एच ओ है और के पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, जे और के अगर आपको पता चल गया है बच्चा, तो जे और के किससे सिंथेसाइज हुआ है, तो ओजोनोलिसिस किया है आपने आई का, तब जे और के सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है। तो जे और के से आई बनाना है हमें, बहुत ही आसान है। देखिए, अगर मैं आई को ऐसा लेती हूँ, पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी सी एच थ्री पीएच, ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ इसके अलोंग ऑक्सीजन ऐड करती हूँ तो हमारा ये और ये स्पीशीज जनरेट हो जाएगा, जे और के स्पीशीज जनरेट हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सो पीएच सी एच ओ फर्स्ट वाला है ना, एंड सी सी एच थ्री पीएच, करेक्ट। तो ये दोनों जनरेट हो रहा है आई के केस के लिए, बहुत ही बढ़िया, हमें आई भी आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आई से एच की तरफ मूव करते हैं, आई से एच की तरफ मूव करते हैं, तो ये एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन था बच्चा, यानी कि आपका स्टार्टिंग मटेरियल कुछ ऐसा रहा होगा, पीएच सी एच टू सी, यहां पर ओएच, यहाँ पे पीएच और यहाँ पे सी एच थ्री। अगर आप इसमें से वॉटर रिमूव करेंगे, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में से वॉटर रिमूव करेंगे, देखिए क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH रिमूव किया, ये स्ट्रक्चर आपका स्ट्रक्चर नंबर H है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर से वॉटर रिमूव करेंगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो आपका H वाला स्ट्रक्चर है, ये किससे जनरेट हुआ होगा, कौन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो भाई देख लीजिए, अगर हम B वाले को इस तरह से ट्रीट करते हैं तो हमें यही स्ट्रक्चर मिल जाता है, ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने शेयर किया है, That is absolutely what we have synthesized as H, ठीक है, CH2PHC, CH2PHC, ठीक है, और C के साथ OH and CH3 है, तो ये वाला ग्रुप देखिए ध्यान से, ये वाला ग्रुप है और एंड में PH है, करेक्ट।
यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे एब्सोल्यूटली करेक्ट दिखाई दे रहा है। पैसेज वन का फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से कवर कर लिया यहाँ पर। एक्चुअली हमने सारे आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हमने एच भी आइडेंटिफाई कर लिया, आई भी कर लिया, जे भी कर लिया, के भी कर लिया, एल भी कर लिया, एम भी कर लिया है। ठीक है बच्चा, तो हमें अब ये देखना है कि ये किस तरह से नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं और आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से ये चीजें इफेक्टिव है। यहाँ पर हम ड्रॉइंग को क्लियर कर लेते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड माय डियर स्टूडेंट्स। यस यस बच्चा, तो अगर आप मेरे साथ क्वेश्चंस को साथ साथ नोटबुक में करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए ये उसी पैसेज का क्वेश्चन है और इसमें आपको कंपाउंड आई पूछा है, यानी कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल तो ये हमने जनरेट किया पीएच सीएच टू सी के साथ ओएच है ना, और उसके साथ यहाँ पर पीएच और यहाँ पर सीएच थ्री है आपके, करेक्ट। अब अगर मैं इसका एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन करती हूँ तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से H और OH रिमूव कर लीजिए, आपको मिल रहा है PH के साथ CH, डबल बॉन्ड C, यहाँ पर PH और यहाँ पर CH3। अरे वाह, यानी मैं लिख सकती हूँ ये वाले H को हटाकर यहाँ से H लिख लीजिए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है। तो ये कार्बन एटम CH3 PH ग्रुप, CH3 PH ग्रुप, करेक्ट, और इस साइड PH एंड H ग्रुप। यस, तो ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, आई कंपाउंड हमने डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लिया, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। 20th क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जे के एंड एल रिस्पेक्टिवली आर। तो भाई अगर आपके पास आई क्लियर है बच्चा, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल था एच, ये बन गया आपका आई, आई के बाद इसका किया गया था ओजोनोलिसिस यानी ओ थ्री से ट्रीटमेंट किया गया था, और आपको पता है कि आपको ओजोनोलिसिस में सिंपली क्या करना होता है, बॉन्ड को ब्रेक करके इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन अटैच करना होता है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट में। तो C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H ये बन गया और ये बनेगा PH C डबल बॉन्ड और CH3। वेरी गुड वेरी गुड, अगर आप ये कर पा रहे हैं ना, ट्रस्ट में आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लैरिटी के साथ बैठे हुए हैं। तो ये आपका सिंथेसाइज हो गया J और ये आपका सिंथेसाइज हो गया K, बहुत ही बढ़िया। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जे के एंड एल भी पूछ रहा है। तो बच्चा एल कब सिंथेसाइज होगा, जब हम जे को KOH से ट्रीट करके इसका कैनिजारो रिएक्शन करेंगे, है ना, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कैनिजारो रिएक्शन करेगा, सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन करेगा तो इसके दो मोल कंज्यूम होंगे, और आपको पता है कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है बच्चा, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो जिसके पास हाइड्रोजन जाता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और जिसमें से हाइड्रोजन जाता है वो एसिड में कन्वर्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H को एक तरफ हम एल्डिहाइड बनाएंगे, एल्डिहाइड से एक तरफ अल्कोहल बनाएंगे, पीएच सी एच टू ओ एच, करेक्ट, इसको बोल दिया आपने बेंजाइल अल्कोहल, और उसके साथ पीएच सी ओ ओ एच। अब ये जैसे ही सी ओ एच बनेगा ये तो एसिड है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बना लेगा, तो ये बन जाएगा पीएच सीओओ के, है ना। तो ये बन गया आपका कंपाउंड एल माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये कंपाउंड एल है आपका। ओके, अब जरा ऑप्शंस चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 के लिए जे बता रहा है यहाँ पर पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो कायदे से बी में दिखाई दे रहा है और वो डी में दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन उड़ाइए। ठीक है, के दिखा रहा है पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अरे वाह क्या बात है, तो डी ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर के भी हमारा एल भी हमारा सही आया, ये एल हो गया, ये के हो गया और ये आपका जे हो गया। बहुत ही आसान और मजेदार क्वेश्चन था, आई होप यू एंजॉयड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बच्चा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ये भी आईआईटी जेईई 2008 का क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस प्रोडक्ट आई जे एंड एल आर फॉर्म व्हेन के रिप्रेजेंट्स अ रिएजेंट। तो के आपका रिएजेंट है और ये आई और यहाँ पर जे
और यहाँ पर एल आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। स्टार्टिंग मटेरियल है हेक्सेनॉल है आपका, ठीक है, और हेक्सेनॉल से आपने स्टार्ट किया है हेक्स 3YNAL, हेक्सेनॉल, ठीक है बच्चा। अब देखिए आपको रिएजेंट के फंक्शन अच्छे से पता होने चाहिए। अगर रिएजेंट के फंक्शन अच्छे से पता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है NaBH4, ये दिया है आपका NaBH4 और यहाँ पे PBr3 दिया है। जरा रिएक्शन करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा इनसे, और सारा एक ही बार कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहे। तो पहले बनाते हैं हम स्टार्टिंग मटेरियल हमारा, ठीक है बच्चा। तो ये देखिए ये है एमई, ठीक है, और एमई को हमने ट्रीट कर लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये इस तरह से CHO स्ट्रक्चर है, करेक्ट। अगर मैं इसे फर्स्ट स्टेप में NaBH4 से ट्रीट करती हूँ तो आपका CHO ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे CH2OH हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप में अगर मैं इसे PBr3 से ट्रीट करती हूँ तो यहाँ पे जो CH2OH बनेगा वहां का OH रिप्लेस होके Br अटैच हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो Br अटैच हो जाएगा तो देखिए आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये Me as it is रहेगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिला आपको और यहाँ पे Br है, CH2Br, करेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका I हो गया, फर्स्ट प्रोडक्ट I हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए ये किससे मैच कर रहा है, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है और ये 4 मार्क्स हमें धरे धरे मिल गए, बहुत ही आसान था। अगर आपको NaBH4 एंड PBr3 का फंक्शन पता है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता था, बहुत ही आसान था। थर्ड, ये स्टार्टिंग मटेरियल आपको सिंपल बनाना था, हेक्स 3 आइन है और फिर आल है, यानी कि 6-membered स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट मेंबर हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और यहाँ पर CHO ग्रुप है, खैर कोई नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे सेकेंड स्टेप के अंदर, आई को सेकेंड स्टेप में मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर से ट्रीट किया है, फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट एंड लास्ट स्टेप इज H3O+ एसिड की प्रेजेंस में कैरी आउट किया है रिएक्शन को। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा ये Br वाला ग्रुप यानी कि आई जो है स्टार्टिंग मटीरियल Me, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर और ये हो गया Br। फर्स्ट स्टेप में अगर मैं Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर से ट्रीट करती हूँ तो ये स्ट्रक्चर किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देखिए ये Br हो जाएगा, MgBr हो जाएगा, है ना। जब भी आप किसी भी अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर से ट्रीट करते हैं तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपने CO2 से ट्रीट किया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस CO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपको क्या करेगा भाई, सिंपल, ये MgBr ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका COOH, यहाँ पे एज इट इज डबल बॉन्ड और यहाँ पे Me ग्रुप है, यानी कि हमने कंपाउंड J को आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ से। कंपाउंड J भी अगर आपका आइडेंटिफाई हो गया है तो अब J को आप किस रिएजेंट से ट्रीट करेंगे, इस J को आप किस रिएजेंट से ट्रीट करेंगे कि आपको ये कंपाउंड मिले बच्चा, यानी ये आपको असाइल क्लोराइड दिखाई दे रहा है, COCl, करेक्ट, COCl है। तो मैं अगर एसिड को SOCl2 से ट्रीट कर दूं, जरा सोचिए SOCl2 से ट्रीट कर दूं तो ये COCl में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट, ये देखिए इस तरह से ये COCl में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, बहुत ही बढ़िया। और फिर क्या किया है, इसको ट्रीट किया है H2 यानी हाइड्रोजनेशन करना है पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ VASO4। आपको अच्छे से पता है ये कौन सा नेम रिएक्शन है, कौन सा रिडक्शन है बच्चा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा जिनको भी पता है ये कौन सा रिडक्शन है। स्टीफेंस रिडक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान, और ये रिड्यूस कर देगा COCl या किसी भी एसिडिक ग्रुप को, असाइल क्लोराइड को, आपके अल्डिहाइडिक ग्रुप में, ये देखिए ध्यान से। तो ये हो गया आपका Me, इस तरह से हम इसे फॉर्म कर सकते हैं बच्चा, हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो अटैच होगा और ये हो गया आपका CHO। तो फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन इधर अटैच हुआ और सेकंड स्टेप में इधर फॉर्मेशन हुआ, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई हो गया, ये प्रोडक्ट है आपका L। जरा देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है, जिस तरह के हमने बाकी प्रोडक्ट
आइडेंटिफाई किए हैं उस पे क्वेश्चंस क्या हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए उसी क्वेश्चन का जे एंड के आइडेंटिफाई करना है. हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आपको अच्छे से रिएक्शन याद होगी. तो जे हमारा एसिड फॉर्म हुआ था इस तरह से, ठीक है, COOH ग्रुप था, यहाँ पे पाई, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था और यहाँ पे एम ई था. किससे सिंथेसाइज हुआ था ये? तो जब हमने इसे ट्रीट किया था CO2 और H3O+ की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये सिंथेसाइज हुआ था. और के कब बनेगा? जब मैं COOH को SOCl2 से ट्रीट करूंगी तो यहाँ पे असाइल फ्लोराइड फॉर्म होगा. यानी इस तरह से आपका स्ट्रक्चर COCl फॉर्म होगा. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका एम ई ग्रुप है. बहुत ही सिंपल, ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पर आपके देखिए यहाँ से भी डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया है, ये भी गलत हो गया है आपका. ये भी नहीं करेगा, असाइल क्लोराइड फॉर्मेशन नहीं करेगा. तो हमारा ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है. अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट एल की तरफ. तो प्रोडक्ट एल हमने बनाया था बच्चों, इसका इसका हमने जब H2 से ट्रीटमेंट किया था, तो पहले स्टेप में H2 ट्रीटमेंट करेंगे तो एक पाई बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है. तो एक पाई बॉन्ड को खत्म कर लेते हैं पहले COCl. अब सिर्फ डबल बॉन्ड रह गया यहाँ पर, ओके वेरी गुड. अब डबल बॉन्ड रह गया है और मैं इसको फर्दर पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 से ट्रीट कर रही हूँ, तो ये COCl ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में, ऑफकोर्स, ठीक है. तो बस हो गया आपका स्ट्रक्चर. तो ये यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है. तो इन चीजों को मैं जरा थोड़ा और ट्विस्ट करके लिख देती हूँ. ये एम ई हो गया आपका, ठीक है, इस तरह से. यहाँ पर डबल बॉन्ड है अभी भी और ये पूरा डबल बॉन्ड डिनोट किया मैंने, और फिर यहाँ पे CHO ग्रुप. तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है और एब्सोल्युटली ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. तो चलिए बहुत ही बढ़िया, इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है. बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यस माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये पूछा गया है J2009 के पेपर में. बहुत ही बढ़िया लेकिन लंबा क्वेश्चन है और बच्चा इसको देख के एक ही बार में घायल हो सकता है. तो आपको घायल नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को बहुत ही शिद्दत से सॉल्व करना है. चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पैसेज नंबर 3 को बच्चा, ठीक है. रुकेंगे तभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो पहला देखिए स्ट्रक्चर है कार्बोनिल कंपाउंड पी, यानी आप स्टार्ट कर रहे हैं पी से, ठीक है बच्चा. अब पी को आपने किससे ट्रीट किया? पी विच गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, यानी ये जो पी है ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, करेक्ट. अंडरगोज रिएक्शन विद MeMgBr फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन, गिव्स एन ओलिफिन क्यू, करेक्ट. तो भाई ये डिहाइड्रेशन किया हमने और क्यू पाया. क्यू का फिर ओजोनोलिसिस किया जा रहा है और एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड आर मिल रहा है, जो कि इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन करके आपको एस प्रीडोमिनेंट यानी मेजर प्रोडक्ट दे रहा है. चलिए देखते हैं. तो भाई यहां पर आपसे पूछा गया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पी इज, अगर वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है तो सीधी सी बात है कि वो एक मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप होगा, है ना बच्चा. मिथाइलेटेड कार्बोनिल ग्रुप ही आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है. तो जरा स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए. अगर आप इस क्वेश्चन में इस पे जाते हैं, ये वाले ऑप्शन पे जाते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर जो ग्रुप है ये वाला कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, करेक्ट. ये वाले कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये वाले कार्बोनिल ग्रुप के साथ ईटी ग्रुप अटैच है, यानी कि ये तो नहीं देगा किसी भी हालत में. और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ कहीं से भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये दोनों तो आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम पे कैंसिल हो गए. अब बचता है हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बच्चा, ठीक है. अगर मेरे पास ऑप्शन ए एंड बी है तो मैं किसके लिए जाऊं सबसे पहले? अगर मैं इसे MeMgBr से ट्रीट करती हूँ, देखिए दोनों से रिएक्शन करके हमें चलना पड़ेगा. स्टार्ट करते हैं हम ए ऑप्शन से, ठीक है. ध्यान से देखिए, अगर हम ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं बच्चा, तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, करेक्ट. और यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है और हम इसे ट्रीट कर रहे हैं CH3MgBr से, है ना.
ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाली साइट आपकी यहाँ जाएगी, पॉजिटिव वाली यहाँ जाएगी। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखाई देगा। तो ये बन गया आपका, ये OH हो गया, यहाँ पे ME ग्रुप हो गया और यहाँ पे CH3 ग्रुप हो गया। यहाँ पे एज इट इज डबल बॉन्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसका डिहाइड्रेशन भी करना है। लेकिन जरा सोचिए, डिहाइड्रेशन आप कहाँ से करेंगे? ध्यान से देखिए, ये वाला OH ग्रुप इस कार्बन एटम से अटैच है। अब यहां से अगर आप हाइड्रोजन निकालते भी है बच्चा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर के साथ फर्दर प्रोसीड करना पॉसिबल नहीं है। लेट्स मूव टू द सेकंड स्ट्रक्चर, है ना? ये जो आपका सेकंड स्ट्रक्चर है, इसके पास आपके सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे एम ई ग्रुप है ना, और यहाँ पे भी एम ई ग्रुप है, करेक्ट, और आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसमें आप कैसे करेंगे। तो भाई अगर मैं यहां पर CH3MgBr को लेकर आती हूं, तो ये फिर से यहाँ पे पॉजिटिव और ये सेक्शन नेगेटिव, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देगा। ये देखिए, ये हो गया आपका OH हो जाएगा, यहाँ पे ME होगा, उसके साथ एक और CH3 यानी कि ME अटैच होगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ME है, करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ME है और ये आपका OH है माय डियर स्टूडेंट्स। सो फर्दर आप इसमें रिएक्शन किस तरह से कैरी आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा P स्ट्रक्चर को। ME अगर मैं इसमें से वाटर रिमूव करती हूँ, तो मैं इसके अंदर साइक्लाइजेशन कैरी आउट कर सकती हूँ। स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको रिंग को मैं इस तरह से लिखती हूँ, देखिए ध्यान से, इफ आई एम राइटिंग द रिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड हियर आई हैव structure like this, here I have ME, and this way if you are going, यहां पे भी ME है और यहां पे भी ME है, ठीक है। आपने water को remove कर दिया है, water को remove करेंगे तो यहां पे positive charge आएगा बच्चा, यहां पे positive charge आएगा, तो ये bond यहां पे attack कर लेगा, और ये जैसे ही यहां पर attack करेगा, एक 5-membered ring बन जाएगी। ध्यान से देखिए, इस तरह से ये हो गया और ये वाले पाई बॉन्ड ने अटैक मारा है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होगा। ये हो गया एमी, ये हो गया आपका एमी, और यहां पर भी एमी है, करेक्ट, और यहां पे आपका बॉन्ड एज इट इज है। तो भाई आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर बना लिया हमने। इन शॉर्ट वी कैन प्रोसीड फर्दर इन दिस वे, and the structure which you have obtained is the structure we are going to mention it as Q, ठीक है? तो Q तक हमने synthesize कर लिया है, so we are going with option B is correct in this case, ठीक है? अब option B correct है, तो इसके question का आगे वाला section पढ़ते हैं। Yes बच्चा, तो clear है, यहाँ पर देखिए आपको options भी दिखाई दे रहे हैं। The structure of product Q and R respectively are, बहुत ही आसान, ये हमने स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया था, स्टार्टिंग मटेरियल हमने ऑप्शन बी करेक्ट किया है पिछले क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग मटेरियल, डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे एमई ग्रुप था, यहाँ पे एमई ग्रुप था आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इसको आपने ट्रीट किया था CH3MgBr से, और इसे मैंने फिर H+ और H2O की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया, तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट मिला बच्चा, तो सीधी सी बात है कि अगर मैंने इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट किया, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगी, इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगी एसिड की प्रेजेंस में, हीट करूंगी, तो इसमें वाटर रिमूव होगा, यहां से वाटर डिहाइड्रेशन कर रहे हैं हम, सो वाटर रिमूव कर लेते हैं पहले, ठीक है। वाटर जैसे ही रिमूव करेंगे आप, तो आपको यहाँ पर एमई, यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज है, और यहां से OH हट चुका है अब, तो ME, और ये वाला साइट आपका पॉजिटिव हो चुका है, ये हमने पिछले स्लाइड में देखा, ये इस पर अटैक करेगा, ये भी देख चुके हैं हम। जैसे इस पर अटैक करेगा बच्चा, H+ हटाइए यहां से, और ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था इस तरह से, है ना, ये आपका 5-membered रिंग इस तरह से, और यहाँ पे ME ग्रुप, यहाँ पे ME, और यहाँ पे ME, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था।
तो जरा ऑप्शंस चेक करिए कौन सा ऑप्शंस करेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। ये स्ट्रक्चर क्यू है, ठीक है, और क्यू के बाद अगर आपको आर फॉर्म करना है तो आपको इसका ओजोनोलिसिस करना था, O3 Zn इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ठीक है। तो ये देखिए क्या बनाएगा, जहां पे भी डबल बॉन्ड है, स्पेसिफिकली अगर मैं यहां पर अटैक करूं तो ये वाले हिस्से में ऑक्सीजन ऐड करिए और ये वाले हिस्से में ऑक्सीजन ऐड करिए, आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा देखिए। तो ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, और ये हो जाएगा आपका सीओ सी एच थ्री नीचे सी एच थ्री सी एच थ्री, जहां पे भी सी एच थ्री है वो एम ई ग्रुप है। तो जरा ऑप्शन चेक करिए इसके अंदर क्यू एंड आर के लिए कौन से ऑप्शन करेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। तो भाई आर आपका आइडेंटिफाई हो गया, ये है आर, ये वाला है आपका क्यू मॉलिक्यूल, और आपको फर्स्ट केस अगर आप देखें तो ये मैच हो रहा है बहुत ही बढ़िया, और सेकेंड ऑप्शन में सीओ एम ई करेक्ट, ये करेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है क्योंकि ये सी एच ओ दिखा रहा है, यहाँ पे सी एच ओ यहाँ पे सी एच ओ, ये वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगर आपने भी सॉल्व कर लिया है तो अपने लिए शाबाशी बनती है भाई, इतना भारी क्वेश्चन था, अभी भी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है बच्चा, आगे हमें इसका करना था, ये जो आर आपने बनाया है ना इसका आपको करना है OH- से ट्रीटमेंट, और लिखा था क्वेश्चन में कि इसका करना है आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। जरा हम इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन इसके नेक्स्ट पेज पे मूव करके करते हैं क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी बच्चा, तो देखिए ध्यान से, ये हमारा जो क्वेश्चन था पीछे वाला, जहां पे हमारा ये मटेरियल हमने ओजोनोलिसिस करके बना लिया है, ये देखिए ये हमारा ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट आर है, जहां पे सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच है, और नीचे साइड पे आपका सी, यहाँ पे सी ओ एम ई, नीचे एम ई अटैच है, इधर एम ई अटैच है, ऐसा स्ट्रक्चर है आपका आर। अब हमें इसका करना है माय डियर स्टूडेंट्स इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि ओ एच माइनस आ रहा है। सीधी सी बात है बच्चों कि ओ एच माइनस आयन में अगर आपके पास अल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप है तो अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और इसीलिए हम कीटोन को हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, और कीटोन जैसे ही आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा अल्डिहाइड पे। तो भाई अगर हमारा बेस है OH- आयन तो उसके पास प्रिफर्ड अल्फा साइट कौन कौन सी है, प्रिफर्ड अल्फा हाइड्रोजन साइट तो ये Me है, तो भाई इसके पास CH3 होगा तो एक ये साइट है अल्फा हाइड्रोजन वाली, यहाँ पर इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं और यहाँ पे भी नहीं है, तो यही इकलौती साइट बचती है जहां पर वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, आपका बेस जो है वो कीटोन पे हमेशा अटैक करेगा, अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है तो बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से। तो ये हो गया सी, यहाँ पे एम ई है, यहाँ पर एम ई है, और ये वाला हो जाएगा आपका सीओ सी एच टू ग्रुप विथ नेगेटिव चार्ज, अब ये इस पे अटैक मार रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, हो गया आपका साइक्लाइजेशन, कितने मेंबर रिंग बनेगी देखिए, ये देखिए इस तरह से, और ये बन गया आपका यहां से बॉन्ड इस तरह से जॉइंट हो गया और सिक्स मेंबर रिंग बन गई, यहाँ पे एम ई है, यहाँ पे एम ई है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, कैसे, तो ये ओ एच बना होगा और ओ एच और एच रिमूव होंगे, यानी वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव करेंगे आप तो आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, बहुत ही आसान था। अगर आपको लग रहा है कि आप ये बीच का स्टेप मिस कर रहे हैं तो मैं वो भी बता देती हूँ, देखिए ये इस तरह से आपका बेंजीन रिंग हो गया, सी के ऊपर ओ नेगेटिव तो वो ओ एच हो जाएगा, यहाँ पर एच है, यहाँ से इस तरह से सी के साथ एम ई एम ई, और ये सी के साथ डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से उसके साथ सी एच टू अटैच है, यानी यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, करेक्ट, और मैं इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रही हूँ तो यहाँ से ओ एच और यहाँ से एच रिमूव किया, जैसे ही रिमूव करोगे आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, बहुत ही आसान था। इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन देखने के लिए जरूर सीखने के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज में सिखाया है, प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा अल्डोल कंडेंसेशन का, बहुत ही बढ़िया
बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं वहां पर, ब्लैक बोर्ड पर कराए हैं, आपको बड़ा मजा आएगा सीखने में। और इसी के साथ हमने ये जे 2019 का क्वेश्चन भी माय डियर स्टूडेंट्स बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो जरा बताइए मुझे कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड हो यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की लोकेशन गलत दे दी है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा इसके हिसाब से एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज पैसेज 4, और ये आया हुआ है आपके जे 2010 में। अगेन एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और पैसेज कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन है। आपको बहुत ही बारीकी से समझ के इसके ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। इस पे 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां से देखिए, 2 एलिफैटिक एल्डिहाइड है पी एंड क्यू, दे आर रिएक्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ K2CO3 टू गिव अ कंपाउंड आर, विच ऑन ट्रीटमेंट विद HCN प्रोवाइड्स कंपाउंड एस ऑन एसिडिफिकेशन एंड हीटिंग। S gives the product shown below, यानी ये आपका product है, ठीक है? And आप several steps कर रहे हैं, तो देखिए क्या-क्या किया है आपने। P and Q दो aliphatic aldehyde हैं, इन दोनों के reaction का किसके साथ? Aqueous K2CO3 के साथ ये react कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, K2CO3 के साथ react कर रहे हैं बच्चा, और इनके पास R कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। और ये जो R कंपाउंड है ये कैसे फॉर्म हुआ होगा, तो जरा देखिए, यहाँ पर हो रहा है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होगा बच्चा। कैसे होगा ये सब मैं आपको बताऊंगी। R प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और ये जो R प्रोडक्ट है इसको फिर से हमने किससे ट्रीट किया, HCN से। HCN से ट्रीट करने के बाद S कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और S ऑन एसिडिफिकेशन, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में इसको ट्रीट किया H3O+, और फिर हीट किया है इसको, ठीक है। और हीट करने के बाद आपको S ये वाला प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप गो थ्रू करना होगा। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना कि P एंड Q आपका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा जिससे ये प्रोडक्ट सिंथेसाइज होगा। देखिए शुरू कर देते हैं भाई, बहुत ही आसान है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पी एंड क्यू से स्टार्ट करने की जगह हम थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है एस, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, हमें यहां तक पहुंचना है। बैक साइड से अगर आप चलते हैं तो लेट्स टेक, यहां पर आपके स्टार्टिंग मटीरियल दिए हुए हैं। स्टार्टिंग मटीरियल कौन सा लेना है, तो भाई लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर मैं फर्स्ट वाले के साथ जाती हूँ तो ये सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच है, इसके पास एच है, अच्छा। और ये आपका सेकेंड वाला है। कायदे से देखें तो ये वाला ग्रुप सी के साथ CH3 अटैच है, सी डबल बॉन्ड ओ एच है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप दिखाई दे रहा है। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करें तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिखाई दे रहा है बच्चा। तो आप किसके थ्रू गो थ्रू करना चाहेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे तो ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। तो हम जरा देखते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स गो विद द ऑप्शन बी एंड वी विल सी। CH3 है, यहाँ पर CH है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, ठीक है। और H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है। अगर मैं इसका क्रॉस अल्डोल करती हूँ, बच्चा, तो अल्डोल कंडेंसेशन में सीधी सी बात है यहाँ वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव वाली साइट इस कार्बोनिल पर अटैक करेगी और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो मुझे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिल जाएगा, ध्यान से देखिए। वी विल बी गेटिंग C के साथ इधर CH3 है, इधर CH3 है, ठीक है। और ये वाला CH3 ग्रुप आपके इस कार्बन एटम के ऊपर अटैक कर रहा है बच्चा। यहाँ पर इसका C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H भी है, और ये अटैक कर रहा है आपके इस C पे, और इसका O नेगेटिव फॉर्म हो रहा है CH2OH, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, और
आप ये स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद आगे बढ़ते हैं. सो भाई CH2OH, CCHO, CH3, CH3, ठीक है. तो बी ऑप्शन यहां से लेते हैं हम, ये वाला, ये दोनों तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, और ए वाले को लेकर चलते हैं. तो अगर ए वाला हुआ यहाँ पर, तो हमारे पास दो अल्फा हाइड्रोजन के साइड्स हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है बच्चों, इसीलिए वी आर गोइंग विद द बी ऑप्शन, ठीक है. चलिए अभी क्वेश्चन का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, आप और क्लियर हो जाएंगे. यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम बी ऑप्शन को कंसीडर करते हैं. आगे बढ़ते हैं, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के सेक्शन को सॉल्व करते हैं. इसको अगर हम HCN से ट्रीट कर देते हैं, बच्चा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आप इसे HCN से ट्रीट करते हैं तो आगे क्या होगा. अगर आप इसे HCN से ट्रीट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दोनों के रिएक्शन की वजह से, बी वाले कंपाउंड के रिएक्शन की वजह से, यानी कि सी के साथ CH3CH3CHO ग्रुप अटैच है और साथ में CH2OH ग्रुप अटैच है, ये HCN से अगर आपने ट्रीट कर दिया, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा. सी के साथ यहाँ पर CH3 है, CH3 है, ठीक है, और यहाँ पर CH2OH है, ठीक है, और साथ ही साथ आपका एल्डिहाइड ग्रुप में जो अटैक जाएगा CHOH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O की जगह CN अटैच हो जाएगा, ठीक है. तो ये बन गया आपका साइनाइड वाला ग्रुप S, S फॉर्म हो गया बच्चा. अब S का एसिडिफिकेशन करना है हीटिंग के साथ साथ, तो हम इसको देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, तो ध्यान से देखिए, द कंपाउंड R इज J2010 का क्वेश्चन है, हमें आइडेंटिफाई करना है R क्या बना है. तो भाई अगेन अगर मैं आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिखाऊं, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 था, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये आपका P था, ये आपका Q था बच्चा, CHH और डबल बॉन्ड O, यहां से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया बेस की प्रेजेंस में, ये हाइड्रोजन को खींच के लेकर गए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, ये नेगेटिव चार्ज ने इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया, ये बॉन्ड आपका इधर शिफ्ट हो गया बच्चा, क्या फॉर्म होगा देखिए ध्यान से. तो C के साथ यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, और ये साथ में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के साथ अटैच है, और इधर से ये CH2OH फॉर्म कर रहा है. तो ये हो गया आपका कंपाउंड जो फॉर्म कर रहे थे आप R. अब R को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा होगा. सो भाई आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो R आपने आइडेंटिफाई कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप अभी से हम डिसाइड कर ले हैं, HCN है, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा और CN यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा और ऊपर OH हो जाएगा, यानी C के साथ CH2OH है ना, और यहाँ पर CH के साथ ऊपर CN और इधर OH होगा, ठीक है. तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट बच्चा. तो ये आपका जो कंपाउंड सिंथेसाइज हुआ ये S है. नेक्स्ट क्वेश्चन S पर होगा, तो आप S इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे. अब इसी S के बेसिस पे हमें एक और क्वेश्चन होगा, यानी दो और क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. यस बच्चा, तो अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है और ये स्लाइड पर आपको दिखाई दे रहा है, CH के साथ CH3 दिखाई दे रहा है, दो CH3 ग्रुप, CH2CN है, से पहला ऑप्शन तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है आपका, दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरे ऑप्शन में आ जाइए कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन हमने सिंथेसाइज किया था. अगर आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा HCN के ट्रीटमेंट के साथ हमने ये सिंथेसाइज किया था माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अब इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आपका कवर अप हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी स्टार्टिंग मटेरियल बनाना बाकी था. जो आपको स्टार्टिंग मटेरियल ये दिया गया था, देखिए अगर मैं ये CH3CH3CH2OH ले रही हूँ और यहाँ पर CH के साथ CN और OH ले रही हूँ बच्चा, और हमें पता है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है जो आपको फर्स्ट पेज पे दिखाई दिया होगा इसके क्वेश्चन के, इस तरह से ये हो गया डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH था उसके, और यहाँ पे CH3CH3. तो ये भी तो देख लें कि ये कैसे बन रहा है इस कंपाउंड से. तो भाई इस स्ट्रक्चर का अगर मैं H3O+ के साथ ट्रीटमेंट करूं, यानी हाइड्रोलिसिस कर रही हूं मैं हीट करके, तो जो आपका CN ग्रुप है वो COOH ग्रुप में हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा CH3CCH3, यहाँ पे CH COOH, यहाँ पे OH, और नीचे आपके CH2OH, करेक्ट, ये हो गया.
अब मैं अगर इसका इंट्रा मॉलिक्यूलर इसी मॉलिक्यूल के अंदर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर दूं, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर दूं, या फिर इसका COOH का इसके OH के साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर दूं, तो ये आपका फर्स्ट कार्बन एटम, मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ये आपका सेकेंड कार्बन एटम मान लीजिए, ठीक है, तो ये आपका सेकेंड कार्बन एटम जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है, और फिर ये आपका थर्ड कार्बन एटम है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, थर्ड और फोर्थ कार्बन एटम में एस्टर फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, तो सीधी सी बात है कि इसका अगर आप इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन करेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करेंगे, और अगर आप एसिड से आपको क्या निकालना है, OH निकालना है, और अल्कोहल से क्या निकालना है, अल्कोहल से आपको H रिमूव करना है, वाटर रिमूव करते ही आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि हमारा पूरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से, बड़े ही मजेदार तरीके से सॉल्व हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट पैसेज पे मूव करते हैं बच्चों। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का सेशन हमारा बहुत ही जोरदार तरीके से, हमने ऑलमोस्ट सारे कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड यानी कि पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, और ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए 2008 से लेकर 2010 तक जितने भी पूछे गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चंस, और एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट है। आई होप आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स एंजॉय किए होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चा, ऐसा नहीं है कई सारे फॉर्मेट अब नहीं पूछे जाते, लेकिन ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, ये क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ रिवाइज हो जाते हैं। जैसे कि ये प्रीवियस क्वेश्चन था, अब तक आपको मैं यही एडवाइस करूंगी जितने भी क्वेश्चन देखे उसके बेसिस पे, कि आप इस चैप्टर में मेजरली फोकस करें साइक्लाइजेशन पे, और ये साइक्लाइजेशन कौन कौन से केसेस में आप कर रहे हैं, तो अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आप जो साइक्लाइजेशन कर रहे हैं, या फिर कैनिजारो के अंदर जो इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन कर रहे हैं, या फिर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस के अंदर जो इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल पे बनते हैं वो ये अल्डोल, कैनिजारो और एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर, जहां पर इंट्रामोलिक्यूलर विद इन द सेम मॉलिक्यूल आप साइक्लाइजेशन कैरी आउट करते हो। ऐसे और भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि एट द एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ही आपको पकड़ना पड़ता है। यहाँ पर भी आपने जितने भी क्वेश्चन देखे, आपने देखा एंड में साइक्लाइजेशन किया, ये लास्ट में एस्टेरिफिकेशन वाला जो किया था उसमें भी साइक्लाइजेशन किया, तो साइक्लाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर रिएक्शन में इंट्रामोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन पॉसिबल है, चाहे वो अल्डोल हो, कैनिजारो हो, एस्टेरिफिकेशन हो, साइक्लाइजेशन इज मस्ट। तो मैं आपको फोर्स करूंगी कि भाई ये टॉपिक आप बिल्कुल एकदम शिद्दत के साथ इस चैप्टर में से कंप्लीट करके जाएं। तो भाई सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हमने इस चैप्टर के कवर कर लिए हैं। आई होप यू एंजॉयड द सेशन अलॉट। तो यस बच्चा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे चाणक्य। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Till then, what you can do, अगर इसी तरह से आपको content इस channel के पसंद आ रहे बच्चा, तो channel को कर लीजिए subscribe, like कर दीजिए, share कर दीजिए बाकी बच्चों के साथ, और ऐसे ही free content को access करने के लिए आप Play Store से या फिर नीचे description में link में जाकर application को download कर सकते हैं, और उस application पे free में सारे study material को access कर सकते हैं। So thank you so much for watching. मिलते हैं next class में। Till then, take care. Love you all, my dear students. Bye-bye.